अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खैरुल वारा है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जिसके अंदर मैंने जो है क्लास 10th को स्टार्ट कर दिया था। जो कि चैप्टर्स हमने लिए थे इसके अंदर, फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ ओनली। तो इसके अंदर ऑलरेडी जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई और उसके डायग्राम को डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपको उसके अंदर कोई भी क्वेरीज है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। कमेंट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपकी क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप मुझे कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो इसीलिए कमेंट करना जरूरी है। अगर समझ में नहीं आता है तो बाय द वे आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा समझने की। तो हम अपना आगे प्रोसीड करते हैं। हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में हमने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को और डायग्राम्स को और उसके पार्ट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब इसके अंदर जो है हम बात करेंगे कि एकोमोडेशन पावर और डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक है, मायोपिया, ये सब सारी चीजें हम इसके अंदर डिटेल में करेंगे, वन बाय वन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, समझ के करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है, देखिए, जो हमें समझने की जरूरत है, फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है ह्यूमन आई के अंदर ही? फार पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि एक एडल्ट आई, एक मतलब एक जो नॉर्मल आई होती है वो क्या कि दूर की चीजों को आराम से देख सकती है, मींस इंफिनिटी तक, ठीक है, उसी को हम फार पॉइंट कहते हैं। वो हम लिखते हैं अब इसके अंदर कि द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन सीन क्लियरली इज फॉर पॉइंट। फार पॉइंट ऑफ द आई फॉर ए नॉर्मल एडल्ट आई इज इंफिनिटी। तो समझ में आ गया, यानी कि एक जो मैक्सिमम डिस्टेंस जिसमें ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली दिखाई देता है उसी को हम फार पॉइंट कहते हैं, जो दूर की चीजें हम आराम से देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस। नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस, ये क्या होता है? जहां पे हम जो है पास की चीजों को आराम से देख सकते हैं उसी को हम नियर पॉइंट कहते हैं और कम से कम दूरी वाला डिस्टेंस कहते हैं, समझ में आया। और जो कि कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली सीन। तो समझ में आया, यहां पे देखो मैक्सिमम में फार पॉइंट में मैक्सिमम याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा दूरी होती है और नियर पॉइंट में मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे फॉर नॉर्मल एडल्ट आई its value is
25 सेंटीमीटर ओके, जो हमारी नॉर्मल अडल्ट आई होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, आपको ये याद रखनी है। रेंज ऑफ ह्यूमन आई, रेंज ऑफ ह्यूमन आई कितना होता है 25 सेंटीमीटर से लेकर के टू इंफिनिटी तक, ठीक है। जो हमारी रेंज होती है एक नॉर्मल एडल्ट आई की वो कितनी होती है 25 से लेकर के इंफिनिटी तक। अगर आप नियर पॉइंट के अंदर अगर आप 25 सेंटीमीटर के पास कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं तो वो हमें थोड़ी सी ब्लर दिखाई देती है, वो इसी वजह से, और स्ट्रेस पड़ता है आंखों के ऊपर। ये चीज जो है मतलब नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर लिया गया है, इतना हम से मतलब हमारी रिलैक्स रहती है आंखें, हम समझ सकते हैं चीजों को। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग अपने, अब डिफेक्ट्स की बात कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, नहीं सॉरी पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करते हैं, सॉरी पावर ऑफ एकोमोडेशन इसके अंदर आते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, उसके बाद हम डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालिए आपके बुक में लिखा हुआ है पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक का पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये क्या होता है। देखो एकोमोडेशन का मतलब मैं बताता हूँ आपको, जो हमारा वो क्रिस्टलाइन लेंस होती है, क्रिस्टलाइन लेंस जो होती है ह्यूमन आई के अंदर, वो फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है, मींस उसको बढ़ाती है घटाती है, वो जो काम करती है वही हमारा एकोमोडेशन कहलाता है। यानी कि फोकल लेंथ का बढ़ना घटना हमारा एकोमोडेशन का एक पार्ट है। तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए एकोमोडेशन, क्या मतलब होता है एकोमोडेशन का, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। फोकल लेंथ कैन बी चेंज्ड, फोकल लेंथ कैन बी चेंज्ड with the help of ciliary muscles, with the help of ciliary, ठीक है। तो ये accommodation का मतलब समझ आया, जो ability होती है eye की lens की to adjust करती है उसकी focal length को, focal length को बढ़ाती है घटाती है के उसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। जो फोकल लेंथ होती है चेंज होती है किसकी वजह से, हमारे जो आंखों के अंदर सिलरी मसल्स होती हैं उनका काम यही होता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस की तरीके से हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं उसका साइज बढ़ाना घटाना का काम करती है हमारे सिलरी मसल्स। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। फोकल लेंथ इसी के अंदर लिखेंगे, फोकल लेंथ length increases when ciliary muscles get relaxed, ciliary muscles get relaxed
एंड लेंस एंड लेंस गेट थिन। अभी आपको मतलब बताता हूं इसका, दोनों लिख देता हूं। फोकल लेंथ डिक्रीजेस, फोकल लेंथ डिक्रीजेस व्हेन सिलियरी मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस गेट थिक। देखिए क्या मतलब हुआ कि फोकल लेंथ इंक्रीज होती है कब, जब सिलियरी मसल्स गेट रिलैक्स्ड होते हैं और लेंस जो है हमारा कैसा हो जाता है, थिन मतलब होता है पतला, ठीक है। जब वो पतला हो जाता है तो हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, उसकी सिलियरी मसल्स उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। और जब फोकल लेंथ कब कब होती है, जब हमारा जो लेंस है वो कैसा होता है, मोटा हो जाता है, समझ में आया। तो हमारी फोकल लेंथ उसके केस के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट करते हैं हम डिफेक्ट्स। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक का डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं क्या होता है ये और कितने तरीके के होते हैं। देखो देखो क्या होता है कि जब एक इंसान, नॉर्मल इंसान की आंखें जब कोई भी चीज सही से नहीं देख पाती है, चाहे वो चीज पास रखी हुई है या फिर वो चीज दूर रखी हुई है, ठीक है, वो हमें क्या दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं, मीन्स खराब हो जाना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कि आंखों का विजन का देखने की ताकत जो है वो खत्म हो जाना या खराब हो जाना, खत्म तो नहीं कहेंगे सॉरी, खराब हो जाना, उसी चीज को हम डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं, ठीक है। अब ये कितने तरीके के होते हैं हमारे, इसके बारे में हम देखो सबसे पहले हमें लिखना है देखो इसके अंदर लिखना क्या है हमें, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, समटाइम्स Sometimes the eye may gradually loss, the eye may loss its power of accommodation, its power of accommodation. In such condition, the person cannot see object. क्लियरली, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ जो है आई ग्रेजुअली लॉस कर देती है उसकी पावर ऑफ, इसको खत्म कर देती है, हो जाती है, खत्म हो जाती है, लॉस का मतलब खत्म हो जाती है पावर ऑफ एकोमोडेशन। इन सच कंडीशन द पर्सन जो होता है सही से चीजें नहीं देख पाता है, ये एक डिफेक्ट की डेफिनेशन बताई है मैंने आपको, ठीक है। तो ये चीज हमारी कहलाती है डिफेक्ट्स कहलाती है ऑफ विजन के बारे में डिटेल था।
अब बात करते हैं, देयर आर मेनली थ्री कॉमन, देयर आर मेनली three common refractive defects of vision. ठीक है, पहला है हमारा मायोपिया, ठीक है, मायो का मतलब क्या हुआ, मायोपिया का मतलब हो गया नियर साइटेडनेस। सेकेंड हो गया हाइपरमेट्रोपिया, इसको कहते हैं हम फार साइटेड नेस, एंड थर्ड क्या हो गया, प्रेस बायोपिया। these defects can be corrected by the use of table lens. ठीक है, तो क्या बोला इसने नेक्स्ट पॉइंट में, देयर आर मेनली थ्री कॉमन रिफ्रेक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं। पहला होता है मायोपिया, नियर साइटेडनेस, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, तीसरा होता है प्लस बायोपिया। और ये जो डिफेक्ट्स हैं हम करेक्ट कर सकते हैं सुटेबल पावर ऑफ लेंस का यूज करके। तो हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं हमने अपने इस टॉपिक को। ओके, तो नेक्स्ट लिखेंगे, वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा मायोपिया, जिसको हम क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नियर साइटेडनेस के अंदर क्या होता है कि हमें पास की चीजें तो साफ दिखाई देती हैं, बट जो दूर की चीजें होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, मतलब दूर पे इंफिनिटी पे कोई चीज रखी हुई है वो हमें दिखाई नहीं देती, ये धुंधली दिखाई देगी, लेकिन पास की चीज साफ सुथरी दिखाई देगी, उसी को हम क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। A person with myopia can see nearby objects क्लियरली, बट कैन नॉट सी
फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। समझ में आया कि इसको हम क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। एक पर्सन जो है, जो पर्सन है जो देख सकता है नियर बाय ऑब्जेक्ट, क्लियरली देख सकता है लेकिन देख नहीं सकता दूर की चीज है। ओके, दूर की चीज, सॉरी, क्लियरली, ठीक है, दूर की चीजें नहीं देख सकता। आगे लिखेंगे इसके अंदर ही, सच ए पर्सन मे सी, सच ए पर्सन मे सी क्लियरली अप टू, सच ए पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर, ए डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर, ठीक है। In a case of myopia, the image of distant object is formed in front of retina। समझ में आया, यानी के जो सच पर्सन में सी क्लियरली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स तक ही देख सकता है, उसके आगे नहीं देख सकता। इन केस मायोपिया द इमेज इज ऑफ डिस्टेंस, या फिर फार में जो ऑब्जेक्ट की बनती है इमेज, कहां बनती है, रेटिना के आगे बनती है। अब इसके डायग्राम के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसके बाद जो है कॉजेस, कॉजेस के बारे में बात करते हैं। कॉजेस, कॉजेस ऑफ मायोपिया, कॉजेस क्या है इसके, ठीक है, कॉजेस ऑफ मायोपिया। दिस डिफेक्ट arises because excessive curvature of, पहला है दूसरा है elongation of the eyeball, देखिए ये हमारे जो डिफेक्ट है अराइज क्यों होता है, इसका एक रीजन है कि जो हमारा एक्सेसिव कर्वेचर यानी कि बढ़ जाना, एक्सेसिव का मतलब बढ़ जाना किसका, आई लेंस का, जो हमारे लेंस बड़े हुए हैं, लेंस है उसका बढ़ जाना, सिलरी मसल्स मतलब वो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सेसिव कर्वेचर होता है जिसकी वजह से हम मायोपिया का शिकार हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यानी कि हमारा जो रेक्ट, देखिए मान लीजिए हमारी ये आई है, मैं बताता हूँ आपको, ये आई है हमारी, ठीक है,
तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ये बढ़ जाती है हमारी क्या कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारी आईज के अंदर मानते हैं वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि जो इमेज की रेज आती है हमारी यहाँ से ऐसे आई जो कि इससे टकराई और वो यहाँ फॉर्म होती है, मीन्स रेटिना यहाँ है हमारा, यहाँ पर ना बन करके यहाँ बनती है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं इलॉन्गेशन ऑफ द आई बॉल का, बढ़ गया हमारा बढ़ गया, तो ये कॉजेज होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, करेक्शन ऑफ मायोपिया, करेक्ट कैसे किया जाता है, करेक्शन ऑफ मायोपिया इसे करेक्ट कैसे करते हैं। इन केस ऑफ मायोपिया, इन केस ऑफ मायोपिया द कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर ऑफ पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना। ठीक है, तो हमें इसमें कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसके अंदर हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का, जिसकी वजह से वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसके अंदर। फिगर आपकी वैसे बुक के अंदर दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो मैं बता देता हूँ कि देखिए पहले क्या होता है नियर साइटेडनेस में। ठीक है, नियर साइटेडनेस में आपको फिगर बताता हूँ क्या होती है। देखिए हमारी जो नियर साइटेडनेस में होता है, ये हमारी आई है, ओके यहाँ पे हमारे ये लगे हुए हैं हमारे सिलरी मसल्स जो कि कंट्रोल कर रहे हैं हमारे जो कंट्रोल कर रहे हैं हमारे क्रिस्टलाइन लेंस को। ओके, तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारी, यहाँ रखी हुई है मान लीजिए इन्फिनिटी पर है, तो उससे रेज निकली। एक नॉर्मल में क्या होता है कि जो इमेज जो बनती है ऑब्जेक्ट की वो बनती है हमारी रेटिना पर, यहां बनती है। बट किसी वजह से क्या होता है कि हमारी जो है पहला जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो रेटिना पे ना बन के सामने बनती है, जो हमने सेकंड केस लिया था। ठीक है, तो यहां क्या होता है हमारा इस केस में मान लीजिए कि इलोंगेशन हो जाती है, आपने अभी देखा था ये बढ़ जाता है इसका, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है हमारी इन फ्रंट ऑफ रेटिना पर बनती है, मींस यहां। ठीक है, ये हमारा डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से क्या है रेटिना पर ना बन के हमारी ये इमेज यहां बनती है। ठीक है, अब क्या है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां से ऐसे आई और ये यहां ऐसे बन गई। अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है मैं बताता हूं। देखिए ये हमारी आई हो गई, यहाँ पे हमारे जो है सिलरी मसल्स है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं हम यहाँ पे मैं नीचे बना देता हूँ करेक्शन के लिए, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ इसका थर्ड कि हमारा जो है करेक्शन कैसे किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट की इमेज वो रेज आ रही है हमारे यहां से ऐसे आई, सॉरी यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी जो इमेज है वो फॉर्म हो जाएगी ऑन द रेटिना पर, कहां बन जाएगी फिर यहां ऐसे स्ट्रेट कहां बन गई रेटिना पे। तो ये डिफेक्ट तो उसके डायग्राम आप बुक के अंदर देखिएगा,
आपको दिख जाएंगे। तो मैंने आपको इसको इतना ही रखते हैं कि एक मायोपिया पर्सन का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जिस जो कि पास की चीजों को नहीं देख पाता, पास की चीजों को देख लेता है सॉरी, दूर की चीजों को नहीं देख पाता है, इसीलिए इसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं, अब नेक्स्ट केस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू।